हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत शुक्रिया वीडियोस को प्यार देने के लिए। गाइस, आप मुझे बहुत सारे मेल्स करते हैं, डीएम्स करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके हर ईमेल का, आपके हर मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँ, पर कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। पर मैं आपको ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि मैं आपके सारे कॉमेंट्स रीड ज़रूर करती हूँ। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूज़ीलैंड के पीआर के बेनिफिट्स। अगर जो लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने अपने मन में ठान लिया है कि आपने न्यूज़ीलैंड मूव होना है, तो आज नहीं तो कल तो आप मूव हो ही जाओगे। स्पेशली वो लोग जो पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं, होल हार्टेडली अपना काम कर रहे हैं, एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं, वो लोगों के लिए नहीं जो कि सीधा वीडियो को देख करके स्क्रॉल करके आगे पीछे चलो अपना काम बंद किया, वो नहीं। अगर आपने कंट्री स्विच करना है, वो भी बिल्कुल कम पैसे से जॉब सिक्योर करके, तो आपको उसके लिए एफ़र्ट्स जो हैं डालने पड़ेंगे, आपको थोड़ा हार्डवर्क जो है वो करना पड़ेगा। अगर एक बार आप कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। न्यूज़ीलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। मैं इस कंट्री में पिछले 3.5 साल से रह रही हूँ और मैं तो खूब इंजॉय कर रही हूँ यहाँ अपना स्टे। पहले मैं इससे पहले सिंगापुर में रहती थी, तो वहाँ पर कुछ हमने प्रॉब्लम्स फेस करी जिसकी वजह से हमने सोचा कि नहीं, हम अब सिंगापुर को लीव करके न्यूज़ीलैंड मूव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के जो बेनिफिट्स थे वो ज़्यादा थे। यहाँ जो एक न्यूज़ीलैंड ये कंट्री है, यहाँ पर डाइवर्स कल्चर के लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ इंडियंस और गोरे ही नहीं है, वर्ल्ड में जगह जगह से लोग आना पसंद करते हैं और रह रहे हैं। अमेरिकन्स मिलेंगे, यूके से लोग आपको मिलेंगे, फिर उधर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना से मिलेंगे, सिंगापुर से मिलेंगे। तो मतलब अगर आप इस कंट्री में आके रहते हैं तो आपको ऐसे लोनली महसूस नहीं होगा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग नहीं है, तो वो बात नहीं आपको महसूस होगी। और अपनी फैमिली के साथ आप रहोगे, बच्चों को रेज़ करने के लिए ये एक बेस्ट कंट्री है। यहाँ का हेल्थ केयर अच्छा है, सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको हेल्थ केयर यहाँ पर मिलेगा, बहुत ही कम पैसे पे मतलब आप सारी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। बाकी स्कूलिंग अच्छी है, स्कूल्स में भी यहाँ बिल्कुल फ़ीस नहीं होती और बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं दिया जाता। बच्चे लुक फॉरवर्ड करते हैं स्कूल जाने के लिए डेली, इतनी एक्टिविटी स्कूल्स में करवाई जाती हैं, मतलब खूब इंजॉय करते हैं स्कूलों में जा कर के भी। स्टेशनरी वगैरह सब स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, फ़ीस कोई नहीं होती, लंचेस मिलते हैं। तो परमानेंट सेटल होने के लिए, अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए न्यूज़ीलैंड आज की डेट में एक बेस्ट कंट्री है। तो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपके पास एक बार पीआर मिल जाता है न्यूज़ीलैंड का। सबसे पहले न्यूज़ीलैंड का जो पीआर होता है, उसकी ये कंडीशन है कि मतलब आपको एक ही जॉब पे स्टक नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप एक बार परमानेंट रेसिडेंट बन गए, आप अपनी मर्ज़ी से जो है जॉब चेंज कर सकते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा जो है वीज़ा एक्सपायर होने वाला, ये अब लगवाएंगे तो ही मैं यहाँ पर काम कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब मन चाहे जॉब पे टिको, जब मन चाहे जॉब को छोड़ो। अगर आपको अच्छे वेजेस मिल रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आप दूसरी जगह भी जॉब जो है वो कर सकते हो। सेकेंडली, यहाँ का पीआर का दूसरा एडवांटेज ये है, यहाँ की जो पीआर है वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए आती है। आपको ऐसा नहीं है कि कंट्री में कुछ टाइम के लिए स्टे करना पड़ता है, आप कभी भी कंट्री को छोड़ के जा सकते हो। मान लो आपका मन नहीं लग रहा, आपको कुछ सालों के लिए इंडिया जाना है, आप वहाँ इंडिया जा के रह सकते हो। कुछ सालों के बाद जब आप यहाँ वापस आएंगे, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पीआर है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है यहाँ की पीआर का। इन आउट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, जितने टाइम के लिए रहना यहाँ रहो, जितने टाइम के लिए इंडिया में रहना इंडिया में रहो। तो ये इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए मिलती है। बात करते हैं यहाँ का जो हेल्थ केयर है, वो आप सब्सिडाइज्ड रेट पे अवेल कर सकते हैं। अगर आपको अपना जीपी के पास जाना है, तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपका कार्ड बन जाता है, उसके अंडर सारा वो पैसे जो हैं वो जाते हैं, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पर आकर के प्रेग्नेंट होती हैं, अगर आप कोई लेडीज़ हैं तो देख रही हैं वीडियो, आप प्रेग्नेंट होती हैं, मेटर्निटी बेनिफिट्स अच्छे हैं यहाँ पर, आपका सारा प्रेगनेंसी का वन टू ऑल प्रोसेस जो है वो यहाँ के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स देखते हैं। आपको कोई भी मतलब हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें, आपके पॉकेट से एक भी पैसा नहीं जाता राइट फ्रॉम डे वन अनटिल द टाइम कि जो बच्चा 1 या 2 साल का नहीं हो जाता, तब तक सारा काम जो है यहाँ के हेल्थ केयर प्रोवाइडर करेंगे। अपनी अपॉइंटमेंट्स आपकी जो होंगी वो खुद से वो बुक करेंगे,
उसके बाद आपका अगर सी सेक्शन होना है, नॉर्मल डिलीवरी होनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। जब बच्चा आ जाता है डिलीवरी के बाद, उसकी लुक आफ्टर करना, उसकी जो अपॉइंटमेंट्स वीकली रहती हैं, मंथली रहती हैं, वो भी सारी यहाँ के प्रोवाइडर्स ही करते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। वन टू ऑल ये फ्री होगा, इंक्लूडिंग जो है मेडिसिंस। तो ये एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा हेल्थ केयर का। उसके बाद हम बात करते हैं स्कूलिंग। स्कूलिंग जैसे कि मैंने बताया, अगर आप यहाँ पीआर पे हैं, यहाँ आपके बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, और यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो प्राइवेट से भी अच्छे हैं। यहाँ पर मोस्टली लोग 90% से भी जो ज़्यादा लोग हैं वो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजते हैं। मेरा बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में ही जाता है। वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, स्टेशनरी वगैरह दी जाती है, लंचेस दिए जाते हैं, कोई भी फीस नहीं होती, बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं होता, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं स्कूल्स में जा कर के। और अगर हम एकेडमिकली बात करें तो बच्चों को जो पढ़ाया लिखाया जाता है वो एक मतलब थ्रेटिकल पढ़ाई नहीं होती, जैसे कि हमारे टाइम पर किताबों को पढ़ पढ़ के हम ऐसे याद कर करके जाते थे, वो चीज़ नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों को, रोल प्ले के रूप में पढ़ाया जाता है, जिससे कि बच्चा एक बहुत अच्छा और जल्दी पिकअप करता है, स्मार्ट बनता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो ये अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद बात करते हैं पीआर के लिए और नेक्स्ट बेनिफिट रहते हैं कीवी सेवर। कीवी सेवर का मतलब कीवी यहाँ के लोगों को कीवी बोला जाता है। जब मान लो आप किसी जॉब को शुरू करते हैं तो आप जो टैक्स फॉर्म भरते हैं उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपको कीवी सेवर चाहिए या नहीं चाहिए। कीवी सेवर का मतलब है कि कुछ आपकी जो सेविंग्स है आप अपने अकाउंट में खुद से डालेंगे, और जितनी आप डालने, मान लो जैसे 3% यूजुअली होता है, 3% जो आपकी सेविंग्स है आप डालोगे, और आपका एम्प्लॉयर भी कभी कभी 3% डालता है, 3 तो उसको डालनी, कभी कभी वो उससे ज़्यादा भी डाल सकता है, 5% भी डालता है। तो ये एक तरीके का आपका रिटायरमेंट के टाइम पे काम आ सकता है फंड, या फिर मान लो आपने घर लेना है या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तब आप कीवी सेवर को जो है विड्रॉ करवा सकते हो। तो इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है मंथली, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आपकी सैलरी का मान लो महीने के एंड में 3% जो है कीवी सेवर में चला जाएगा, साथ साथ एम्प्लॉयर भी 3% जो अपनी पॉकेट से डालेगा। तो ये बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है कुछ सालों के बाद, जो कि आपको काम आती है। मे बी आप रिटायरमेंट में उसको यूज़ करो, या फिर आपको घर खरीदना तो उसमें यूज़ करो, तो ये एक अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट हम एडवांटेज की बात करते हैं। मान लो अगर आपके पास यहाँ आपकी पीआर हो जाती है और आप कोई कोर्स करना चाहते हो या स्टडी करना चाहते हो, तो वो भी एक डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम पैसे में आप कर सकते हो। मान लो एक सेमेस्टर की जो फीस रहती है $8,000 की रहती है, और पूरा जो कोर्स है कम से कम $24,000 में हो जाता है। और वही अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप कभी प्लान करते हो आगे कुछ सर्टिफिकेशन लेने का, पढ़ाई करने का, कोर्सेज करने का, एमबीए करने का, तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है, वो सब्सिडाइज्ड रेट पे आप कर सकते हो अच्छे से अच्छे कॉलेज में। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, अपनी जो कोशिश है वो जारी रखिए। कंट्री मूव करना इज़ नॉट ईजी। हमने कंट्री मूव की थी, हमें भी बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत चैलेंजेस फेस किए थे, पर हमने कभी भी गिव अप नहीं किया। तो आज हम यहाँ पर हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। आप भी हार्डवर्क करते रहिए, कोशिश करते रहिए, अगर आपने ठान लिया तो एक ना एक दिन आप यहाँ पहुँच ही जाएंगे। तो मिलती हूँ फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।